जय महायोगी भगवान महारुद्रेश्वर भगवान तीर्थराज प्रयाग सीता सीते करुणेश्वर महादेव जय महायोगी भगवान महारुद्रेश्वर भगवान तीर्थराज प्रयाग सीता सीते सुनतामरे नाजो विभाते नीनाथ पत्र स्वदेव साक्षात सदेश राजो जयती प्रयाग देखे जहां पर भी इस तरह के अनुष्ठान होते हैं वो अपने आप में प्रयाग है और जहां संत सहज भाव से धार्मिक अनुष्ठानों को स्वयं अग्रणी होकर उन कार्यों को निभाते हो ऐसे यजमान और ऐसे भगत भी धन्य है। तीर्थ मतलब पार उतारने वाला और साधु अपने आप में पूर्ण तीर्थ है। किसी भी स्थान में बैठने के बाद अनेक प्रकार के लोगों का उनसे मिलना जुलना बना रहता है। तो किसी तीर्थ में जो आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं है ऐसे ही किसी संत के पास आप जाएंगे तो वहां आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे तीर्थ का महत्व है ऐसे ही संत अपने आप में चलते फिरते तीर्थ हैं और इन तीर्थों का जो अनुसरण करते हैं ये जो यजमान भक्त है ना ये यजमान जितने भी हैं ये अपना कार्य तो सिद्ध कर ही रहे हैं इसके साथ साथ में संपूर्ण क्षेत्र का भी हित कर रहे हैं कल्याण कर रहे हैं। हमें ना कई प्रकार की आज भौतिक सुख साधनों के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन ये अनादिकाल का सुख साधन है हम सभी लोगों का जो हमारे अनुष्ठान है इस तरह की जो महाकृत्य है कर्म जो अनुष्ठान हम करते हैं एक विज्ञान है। आप यहाँ पर ऐसी ऊर्जा का संचरण करवा रहे हैं जिसमें आप डुबकी लगाते जाएंगे आपको खबर नहीं कि आप कब भीग गए कब नहा लिए ये आपको खबर नहीं लेकिन धार्मिक अनुष्ठान ये मंत्र ये वैदिक उच्चारण संपूर्ण क्षेत्र का कल्याण करते हैं और ये तीर्थ तो अपने आप में बहुत सुंदर पवित्र दिख रहा है। आने के बाद में शायद पहली बार मैं ये सोर भिक्षु बाबा जिनका सुंदर सा नाम भी है राम शंकर राम भी और शंकर भी है आप है ना भिक्षु बाबा आप तो हो जाएंगे गिरी बाबा ये बागंबरी मठी क्योंकि मठ की ऐसी धरोहर ऐसे भाव आपके तो खींच के लाए मजबूर किए कि चलो वो सोच सकते ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े हो गए विचार वो नहीं है विचार ये कि आपको कौन से विचार आकर्षित करते हैं और हम जो बाल्यकाल में शिक्षा लिए इस मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में अपना नशा ही अध्यात्म का है और उसमें कोई ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं जैसे भिक्षु बाबा जैसे तो ऐसे और ऐसे संतों के सानिध्य में जो यजमान रहते हैं वो भी बड़े धन्यशाली बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली जो ऐसे अनुष्ठानों में आप भाग ले रहे हैं। देखिए अनुष्ठान अनादिकाल से अनुष्ठान चले आ रहे हैं चलते रहेंगे ये तीर्थ है इस समय और इस तीर्थ में जो भी कदम रखेंगे वो पार उतरेंगे क्योंकि तीर्थ का मतलब ये हुआ है पार उतारने वाला है। संत का जीवन तो कपास की भांति होता है कपास होता है
कभी रसमय नहीं होता है, लेकिन वो गुणमय होता है। कपास में जो गुण अनेक होते हैं, एक सुई छेद करके चली जाती है, लेकिन कपास का धागा आकर उस चित्र को भर देता है। ये गुण है कपास। संत का चरित्र कपास से समान ही है कि खुद उस चित्र से निकल जाते हैं, लेकिन उस स्थान को भर देते हैं अपने ऐसे अनुष्ठानों से, ऐसे कार्यक्रमों से। ये जो अनुष्ठान और जो ये वेद के ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं, ये अपने आप में वेद है। जहाँ पर ऐसे मंत्रों का उच्चारण होता हो, वो स्थान अपने आप ऊर्जामय हो जाता है। और खास कर यहाँ महारुद्र यज्ञ चल रहा है, राम तथा जी जैसी सुरसरी गंगा भगीरथी बह रही है, जहाँ विराज धारा में स्वयं माँ सरस्वती माँ विराजमान है, ऐसे स्थान और ऐसे भक्तगण जो सनातन वैदिक परंपरा को लेकर चल रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। समय बड़ा विकट आ रखा है, विकट आए जा रहा है, लेकिन आप लोगों के जैसे ऐसे अनुष्ठानों को देखने के बाद लगता है कि वो विकट समय भी सूक्ष्म रूप से निकल जाएगा। जैसे कोरोना काल था ना, ऐसी है, किसी को दिखाई देती थी क्या वो, लेकिन जब अंदर प्रवेश कर गई, जब ऐसे ही अनुष्ठान भी, ये अनुष्ठान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय समय पर हमारी जो व्याधाएं होती है, पीड़ाएं होती है, उन्हें सूक्ष्म रूप से निकाल देते हैं। ये अनुष्ठान ये कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इन अनुष्ठानों में आना, इनको दूसरे सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। हम सभी मनुष्यों का ये दायित्व भी है, जब हम किसी स्थान पर, खास कर जहाँ पर वैदिक परंपरा से अनुष्ठान चल रहे हो, इन अनुष्ठानों को भावपूर्वक भक्ति पूर्वक इस भाव से। हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी ने लिखी है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। वेद कहते मन का कर्मणा वाचा, मन क्रम वचन से हम जो भी विचार खुद मजबूत करते हैं ना, वैसे हमारी परिकल्पनाएं और हमारे जो अंदर की ऊर्जा है वो इसी ही मजबूत होती जाती है। और इस ऊर्जा को इतना सुंदर स्वरूप दिया विष्णु बाबा ने, इसका आपका मन कर्म वचन है जैसे, तो हनुमान जी महाराज को तो वहां आना ही पड़ेगा। ऐसे श्रेष्ठ कार्य हो जो और स्वयं विराजमान है धर्म ध्वज रूप में, तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, सबके ऊपर समस्त नंदन। भगवान राम ने हजारों वर्ष साधना की, 11-12 हजार, कितने 11 हजार आ गए, 11 हजार वर्ष भगवान राम ने जब राज किया, उस काल खंड के अंतर्गत में ना तो किसी वृद्ध को दूसरा आश्रम देखना पड़ा, ना उस काल खंड में कोई रोगी हुआ, ना वहां उस क्षेत्र में अधर्म ने प्रवेश किया। राम राज्य के कारण अनेक है, क्योंकि वहां धार्मिक अनुष्ठान ऐसे विज्ञान चलते रहते। जो कर्म है ना हमारा, ये वैदिक परंपरा है, ये जहां भी चलेगी, कितने भी हमारे अंदर नेगेटिव विचार होंगे, वो अपने आप महीने में पॉजिटिव में बदल जाएंगे, क्योंकि ये कर्म ही ऐसे हैं। और जहाँ राम नाम की सुरसरी बह रही हो, उस सुरसरी में तो गोते लगाने चाहिए, सभी को लगाना चाहिए, हम सभी को लगाना चाहिए। और आप सभी को मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद, एक संत के हृदय से प्रयाग होने से, और प्रयाग में ये अब माघ मास लगने वाला है, कभी राम धूम की इच्छा करे तो प्रयाग में ये लेते हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी हैं, सबको विष्णु बाबा के समस्त अनुयायी और सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले सभी अनुयायियों को प्रयाग तीर्थ में स्वागत। मन में आए राम नाम की धुन लगानी हो तो आप अवश्य पधारिए, और ऐसे अनुष्ठानों को भक्ति पूर्वक करते रहिए।
मैं जब से बिट्टू बाबा से मिला हूँ, संत केवल डोला धारण करने से संत नहीं हो जाते, हृदय भी संत में होना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम याद रखना आप सभी लोग, जितने भी बच्चे बूढ़े, जिस आश्रम में आप लोग हो, आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम वही है। हम तो उस पर से निकल करके न जाने कितने समय इधर उधर भटकने के बाद समझ में आया कि लटकन इधर है, तब कहीं जाके स्थिर हुए। लेकिन आप लोगों के उस भटकन में अगर पहले कोई माँ बाप ना के लटकन मजबूती से पकड़े हुए हैं, ऐसे गुरु मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो हमको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों की ओर ध्यान देना चाहिए, परिवार की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ धर्म यही है। लास्ट में मैं एक चौपाई के साथ आप सबको छोड़ के जाता हूँ, और समझना आप अगर छूटोगे नहीं तो आप पकड़ोगे नहीं, मेरा छोड़ेंगे आप, तो हम ही लोग नहीं छोड़ेंगे आपके। मैं अब छोड़ना है, हमने प्रयाग का पहले निमंत्रण सभी को दे दिया है, जितने भी माताएं बहनें बच्चे बुद्धे भला चला जितने भी हमको सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं, ब्राह्मणों को तो पहले है ही है, क्योंकि ब्राह्मण मतलब वेद, और वेद होगा वहां पर नहीं हर जगह पर अनुष्ठान ये तीर्थ हो गया है, कारण हुआ ब्राह्मणों के कारण हुआ, संत के कारण हुआ है, संत अपने में चलता के साथ चित्रा कर रहा है, यहाँ कम से कम कभी भजन चल रहे हैं, कभी कीर्तन चल रहे हैं, आप किसी तीर्थों में जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, आप जाते हैं सबसे पहले स्नान करने के तट पर गए तो आपको जो भी मंत्र आता है भगवान कुछ भी ना आता हो, ब्राह्मण हो तुम पवित्र हो पवित्र हो कहना शुरू कर दे, भक्त हो तो परमात्मा से भक्तिमय से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, भगवान मंत्र तंत्र नहीं आते हैं, लेकिन भक्ति भाव से देह को लेकर यहाँ तक पहुंचा। देखिए जरूरी नहीं कि आप लोगों को जो शब्द आते हो, ये जो न म सी वाय है ना, ये जो पंच अक्षर है ना, ये आपको पांचों तत्वों का एहसास कराता है, तो ये पांचों तत्व जब हमारे अंदर उमड़ है उस तत्व को वो ग्रहण कर लेता है, पृथ्वी तत्व होगा तो वो, आकाश तत्व होगा तो वायु तत्व होगा तो वो, जल तत्व होगा तो वो, किसी न किसी तत्व का वो अनुसरण करता है। तो भगवान शंकर का जहाँ पर महारुद्र यज्ञ मतलब जिस स्थान जिस क्षेत्र में ये यज्ञ अनुष्ठान होता है, उस क्षेत्र की दूर दूर की आभा मंडल बदल जाते, स्थान तो बदला ही स्थान है, लेकिन इस स्थान के क्षेत्र में आकाश तक जहाँ तक वो यज्ञ का धुआं जाता है, जहाँ तक वो वाणी जाती है, संपूर्ण क्षेत्र का हित हो जाता है, कल्याणमय वो क्षेत्र हो जाता है, तीर्थमय वो क्षेत्र हो जाता है। और भगवान शंकर का अनुष्ठान भगवान राम नाम ईश्वर हो, भगवान भागवत भी मैंने सुना, भागवत भी चल रहा है, न जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान आपने लगा रखे हैं, प्राण में ऐसी सुरसरियों में आप लोग गोता लगाने आ रहे हो, ये न समझना कि आपको कोई मंत्र आना अनिवार्य है, लेकिन आपका भाव भक्ति में होना अनिवार्य है, क्योंकि बगैर भाव की भक्ति नहीं है, आप भावनात्मक रूप से जुड़िए ना, आपको मंत्र आना कोई आवश्यकता नहीं, जो ब्राह्मण कह रहे हैं आप कानून से सुनिए, जो भी शब्द समझ में आता हृदय में जो बसता हो उस नाम का जाप करिए, यही श्रेष्ठ धर्म है और यही अधर्म को त्यागना। एक शब्द है उमा कहूं मैं अनुभव सुना, सत हरि भजन जगत सब सपना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई, रघुवंशर भगवान की जय, भगवान रामचंद्र की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, करुणेश्वर तीर्थ की जय, सभी यजमान गणों की जय, सभी भक्तगणों की, संत समाज की, वैदिक ब्राह्मणों की।
तन के जय सितारा।